हरभजन, यहाँ पर एक और चीज है ना जो आमतौर पर हम इंडिया में या कहीं और क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया चेज करना चाहता है, इंडिया को T20 में चेज करना बड़ा रास भी आता है, और यहाँ पर वो थोड़ा सा बदलाव आया है। इंडिया ने ये प्रेफर किया है, आप एक आधे मैच को छोड़ दें, कि यार हम ना पहले बैटिंग करते हैं। क्या ये पहले बैटिंग करना ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिहाज से है, या फिर आपको लगता है कि आपको बड़े मैच में ये दोबारा अपना चेजिंग वाले फॉर्मूला पे वापस जाते दिखेंगे? और देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप टॉस हार जाएं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचे कि आपको चेज करना है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम चेज करने में भी जो है वो काफी माहिर है, कंफर्टेबल भी रहेंगे, क्योंकि इन कंडीशंस में अच्छी क्रिकेट खेलना जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि भारतीय टीम ने खेली है। शॉट सिलेक्शन जो है ठीक वो है, इम्पोर्टेंट है कि कौन से शॉट्स खेलने हैं, पेस का कैसे इस्तेमाल करना है, सामने की तरफ जो शॉट्स हैं वो कब खेलने हैं, क्योंकि जब नया गेंद होता है तो बाउंस ज्यादा होता है, तब आप बॉल की पेस को यूज करते हैं। थोड़ा सा बॉल पुराना होता है, गति कम होती है, बाउंस थोड़ा कम होता है, तो फिर आप सामने की और भी शॉट मार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टॉस जो है वो इम्पोर्टेंट तो जरूर होगा, बट आई थिंक आपको स्टिल अगर कौन कौन है? अच्छा मैच जो है वो जीतना है, तो आपको बल्लेबाजी, गेंदबाजी, हर चीज में दूसरी टीम को परास्त करना होगा। और जिस टीम जिस जिसके लिए भारतीय टीम काफी हद तक मुझे लगता है तैयार है, चाहे वो पहले बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी करे, मुझे लगता नहीं है कि भारतीय टीम उस चीज के बारे में ज्यादा सोच रही होगी। उनका फोकस होगा मैच कैसे जीता जाए, और उनके पास वो खिलाड़ी मौजूद हैं व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, दे आर रेडी फॉर इट, एंड आई थिंक दे नो वेरी वेल कि टॉस हमारे हाथ में नहीं है, बट अच्छी क्रिकेट खेलना उनके हाथ में है, एंड आई होप दे विल डू दैट। नहीं, अच्छी क्रिकेट खेली भी है सनी भाई, और कभी भी कोई ऐसी टीम नहीं है जो दो सितारों से वर्ल्ड कप जीत जाए। कभी भी आपको दो सितारे नहीं चाहिए होते हैं, आपको दो सितारे चाहिए होते हैं, लेकिन उसके साथ तीन चार पांच और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस होती है। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि 11 के 11 तो परफॉर्म नहीं करेंगे, आपके दो तीन फेलियर्स होंगे, लेकिन उन फेलियर्स की भरपाई करने वाले। अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, क्या आपने सोचा था अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव, विराट का तो चलिए आपको अंदाजा था, क्या आपने सोचा था अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव ये आपके तीन महा जो नायक हैं उनमें से एक होंगे? विराट के तो चलिए 250 के करीब रन भी हैं, जबरदस्त फॉर्म में भी हैं, और विराट के रन बनाते देखकर बाकी ड्रेसिंग रूम में भी एक कहते ना वो कंपोजर सा वो होता है, आपको पता है कि यार ये हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं, और सूर्य कुमार यादव में खासियत ये है कि सामने वाली टीमों को अब अंदाजा नहीं है, तो सूर्य कुमार यादव ने अगर 30 बॉल खेल लिए तो 30 बॉल में वो क्या 40 रन बनाएंगे, 50 बनाएंगे, 60 बनाएंगे या 70 बनाएंगे, ये बड़ी बात है। फिर अर्शदीप, अर्शदीप एक युवा तेज गेंदबाज। सरी भाई, अर्शदीप की कहानी भी बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि एशिया कप का वो मैच जब इनसे कैच छूटा था, अनफॉर्चुनेटली उनका जो क्रिटिसिज्म हुआ, एक यंग प्लेयर, बट शायद उस यंग प्लेयर ने ये दिखाया, मैं यंग तो हूं पर मैं मजबूत भी बहुत हूँ, कोई भी टूट सकता था उस क्रिटिसिज्म से, उस कैच छूटने से। जी बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ी चीज होती है ना, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एट द हाईएस्ट लेवल इट इज टेम्परमेंट, मानसिकता इज द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड बॉयज। जिसके पास मजबूत मानसिकता हो, मजबूत टेम्परमेंट हो, तो ही विल ऑलवेज सक्सीड, ही विल नॉट बी वरीड अबाउट कि ये क्या हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रही है, मेरा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, दो मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुआ, पर मैं जानता हूं कि मेरे पास काबिलियत है, मैं आगे जाकर रन बनाऊंगा, मैं आगे जाकर विकेट ले लूंगा। तो ये अर्शदीप ने दिखाया कि उनके पास वो है, एक जिद है कि मुझे भारत के लिए खेलना है, मुझे भारत के लिए सफल होना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर होते हैं बोलते हैं कि मुझे भारत के लिए खेलना है, पर बहुत कम ऐसे क्रिकेटर होते हैं जो कहते हैं कि मुझे भारत के लिए सक्सेसफुली खेलना है, सक्सेसफुली खेलना, मैं जिताऊंगा वर्ल्ड कप। हाँ, ये एक बड़ी चीज होती है। और एक बात मैं उनसे कहूंगा सिर्फ कि अभी भी जो अब बांग्लादेश की जो मैच हुई थी, वहां पे भी जो उन्होंने कैच पकड़ा था, एक वो कैच यहाँ पे पकड़ा था उन्होंने, जो बिल्कुल जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ वो एशिया कप में गया था, वो यहाँ पे कैच ना पकड़े। अर्शदीप अगर आप सुन रहे हैं या अर्शदीप के कोच अगर सुन रहे हैं, देखिए वो यहाँ पे कैच पकड़, कॉफी हाथ में पकड़ लेता। हाँ, ये यहाँ पे उन्होंने कैच पकड़ा था, आसान कैच था। और एक बार ऐसे क्योंकि थोड़ा सा मिसजज किया उन्होंने, हाँ यहाँ पे कैच नहीं पकड़े, यहाँ पे कैच पकड़े, यहाँ पे, मतलब अगर गिरना है तो भी यहाँ पे आपके छाती पे लगकर आप उसको वापस पकड़ सकते हैं। आपकी कॉफी सिंह भाई थोड़ी सी ठंडी हो गई है, लेकिन बजू आप अर्शदीप को जानते हैं क्योंकि वो पंजाब से खेले, युवा खिलाड़ी हैं, आपकी कभी मुलाकात तो होती ही रहती है, क्या है खास ऐसा अर्शदीप में?
देखिए मेरी मुलाकात उनसे बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत जो जितनी मुलाकात है वो इतनी ही है। बहुत होनहार ये खिलाड़ी है और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ खिलाड़ी है ये। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, शांत रहता है, इससे शांत स्वभाव का खिलाड़ी है, या मेरे सामने शायद शांत रहते होंगे, बट आई एम श्योर जो अपने उम्र के लड़के हैं उनके साथ तो हो सकता है कि थोड़े से वो शरारती बिहेवियर भी हो, बट जो कि एक हर बच्चे का एक बिहेवियर होता है जब वो अपने संघ के लड़कों के साथ मिलता जुलता है, बट उनको देख के उनका इस तरीके का परफॉर्म करना मेरे लिए ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता था इनकी मैं बहुत काबिलियत है। इन्होंने कुछ मैचेस जो आईपीएल में खेल रहे थे, रबाडा की यॉर्कर नहीं गिर रहे थे, इनके यॉर्कर गिर रहे थे, और ये लगातार देखिए ये बेटर होते गए हैं हर मैच दर मैच। इनका कद जो स्तर है वो आईपीएल से मैं देखते आ रहा हूँ बेटर होता गया, और बहुत कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ उनके ये ग्रोथ देख के। और मैंने देखिए ये पहले भी आपसे कहा था कि अर्शदीप गोल्ड है, और अर्शदीप वाकई ही गोल्ड है। आप देखिए गेंद को कैसे स्विंग करवाते हैं लास्ट के ओवरों में, वो कॉन्फिडेंट रहना, जो बॉडी लैंग्वेज सामने वाली टीम को दिखाना, तो कोई इनसे सीखिए। युवा होने के बावजूद ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव की भी मैंने बात करी थी कि इस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए, लेट मत करिए। और चलिए देर आए दुरुस्त आए, और अब ऐसे आए कि सूर्य कुमार यादव सबसे बड़ा नाम बल्लेबाजी में अगर किसी का लिखना हो तो वो विराट कोहली का आज की डेट में नहीं हम लिखेंगे, इस फॉर्मेट में अगर जिताने वाली पारी खेलनी है तो वो सूर्य कुमार यादव का नाम लिखा जाएगा। यस, विराट कोहली इज अ ग्रेट 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 प्लेयर, जो कि बड़े सालों दर सालों बाद ऐसे प्लेयर आते हैं, बट सूर्य कुमार यादव जैसे भी प्लेयर जो है वो एक एक आध बार आते हैं सदी में, और उसका भरपूर जो है फायदा उठाना चाहिए था इंडियन टीम को पहले भी 2 साल पहले, बट एनीवेज अभी सही जगह पे है, सही टाइम है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा बड़े अच्छे तरीके से जो ग्रैब करें, वर्ल्ड कप लेके भारत में वापस आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत उत्साह है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग मच मोर देन एक्चुअली जो हमने उम्मीद लगाई थी कि ये होगा वो होगा, बट अब तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए फाइनल, और उसमें ट्रॉफी जो है भारत के हाथ में होनी चाहिए।